स्वागत है। ये डालते हैं सुबह की 10 बड़ी खबरों पर नजर। आजम खान और अब्दुल्ला की रिहाई के लिए सफाई साइकिल से लाए गंगाजल, भोलेनाथ पर चढ़ाकर करेंगे प्रार्थना। ज्ञानव्यापी मस्जिद में मां श्रृंगार गौरी के पूजन को लेकर महिलाएं पहुंची कोर्ट, यूपी सरकार से मांगा जवाब। योगी सरकार के कार्यकाल में यमुना सिटी में 15,000 करोड़ रुपए का हुआ निवेश। सड़क परिवहन मंत्रालय ने किया बदलाव, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब पुलिस फोटो खींच नहीं भेज सकेगी चालान। आज सोनिया गांधी करेंगी विपक्षी पार्टियों संग बैठक, मायावती केजरीवाल को न्योता नहीं। ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार राज्यों को मिला, बिल को राष्ट्रपति कोविंद की हरी झंडी। अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर एनएटीओ की होने जा रही वर्चुअल मीटिंग। अफगानिस्तान में हिंदू और सिख समुदाय के लोग सुरक्षित। चेन्नई सुपर किंग्स का दुबई में ट्रेनिंग कैंप शुरू, महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना साथ आए नजर। अक्षय कुमार को लगा झटका, रिलीज के कुछ घंटों में ही एसडी में लीक हुई बेल बॉटम। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जन संदेश टाइम्स, रहे सुरक्षित और सतर्क।